Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hope all doing best. This is Mrs. Imran. Welcome to our channel Izaz. आज हम बनाने वाले हैं रमजान की बहुत ही स्पेशल चीज और सिर्फ रमजान में मिलने वाली चीज, और वो है गंजी या फिर ऐश भी बुलाते हैं इसको। ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ ले रही हूँ इंडिया गेट जीरा राइस, या फिर इसको जीरगा सांबर राइस भी कहते हैं। ये मैं ले रही हूँ 1 कप। आप कोई और चावल भी ले सकते हो, बट उसे यूज करने से पहले थोड़ा बहुत दरदरा ग्राइंड कर लेना है बस। लेकिन इस चावल से अगर गंजी बनाएंगे तो गंजी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो अब हम इस चावल को अच्छी तरीके से वॉश करके सोक करके रखेंगे कुछ देर के लिए। फिर हम लेंगे 1/2 कप मसूर दाल और 1/2 कप मूंग दाल। इन दोनों को भी अच्छी तरीके से वॉश करके सोक करके रखेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून घी। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा। तीन लौंग, बस थोड़ा सा जावित्री, 2 इलायची। इनको एक बार सॉटे कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा प्याज कटा हुआ। इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टेबलस्पून सौंफ और 1/4 टेबलस्पून मेथी के दाने। अब लेंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी कुछ देर फ्राई कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कटा हुआ गाजर और 2 टेबलस्पून कटी हुई बीन्स। आप अगर नॉन वेज गंजी बनाना चाहते हो तो इनकी जगह आप चिकन या मटन का खीमा यूज कर सकते हो 100 ग्राम्स। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़े से धनिए की पत्ती, थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ। इनको भी सॉटे कर लेंगे। और अब लेंगे हम 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ। इसको पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक को डालने से टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखी हुई दाल। इसको कुछ देर पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक कप चावल और 1 कप दाल के लिए हमें लेना होगा 3.5 लीटर पानी।
पानी ऐड करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे सूख किए हुए चावल। बस इसको एक बार स्टर कर लेंगे और विजिल आने के लिए रख देंगे। बस 2 या 3 विजिल्स आने तक ही इसको रखें और उसके बाद गैस को बंद कर दें। देखिए सारा प्रेशर निकल जाने के बाद मैंने लिड को ओपन किया है और इसमें ऊपर से धनिया और पुदीने की पत्तियां और एक हरी मिर्च स्लिट करके डाला है और इसको 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद हमारी गंजी तैयार हो जाएगी। और इसको गरम सर्व करना समोसे, मसाला वड़े या फिर पूरी के साथ, ये किसी के साथ भी बढ़िया से कम्बाइन हो जाएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।